हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, आज का ये वीडियो जावास्क्रिप्ट का है और एक छोटा सा प्रोग्राम जो कि डेसिमल नंबर को भी ऐड कर सकता है और होल नंबर को भी ऐड कर सकता है, ऐसा प्रोग्राम मैंने लिखा है। अब ये वो प्रोग्राम है, इसको मैं एक बार रन करवाता हूं। तो यहां ऐड नाम से इसको सेव किया है, डबल क्लिक करके इसको रन करवाता हूं। तो ये देख सकते हैं ये प्रोग्राम अब रन हो गया है। अब देखिए यहां पर कोई नंबर हमको डालना है, लाइक पहले 6 डालता हूं होल नंबर और फिर 8, तो 6 और 8 को ऐड करने पे यहां पे देखिए 14 आ रहा है, क्लियर है। अब यहां पर आते हैं, अब यहां पर 6 को 6.7 कर देते हैं, ये 6.7 कर दिया। अब 6.7 में 8 को ऐड किया तो 14.7 आ गया। अब दोनों ही को डेसिमल कर देते हैं, यानी कि इस तरह से। अब इन दोनों को ऐड करते हैं तो ये देख सकते हैं इस तरीके से ये आ रहा है। तो ऐसा एक प्रोग्राम हमको लिखना है, तो कैसे लिख सकते हैं आइए देखते हैं। सबसे पहले क्या करना है, नोटपैड प्लस प्लस, सबलाइम टेक्स्ट एडिटर या ड्रीम व्यूअर, जो भी आपके पास हो वो ओपन कर लीजिए। तो हम नोटपैड पे ही कर लेते हैं। तो ये हमारा पुराना प्रोग्राम है, हम नया प्रोग्राम लिखेंगे। तो यहां पर आ जाते हैं। अब यहां पर सबसे पहले हमें लिखना है डॉक टाइप, ठीक है, डॉक्यूमेंट का टाइप मेंशन कर देते हैं। तो ये लिख दिया मैंने डॉक टाइप और ये है एचटीएमएल, तो यहां पर लिख देता हूं एचटीएमएल। अब यहां से एचटीएमएल टैग की स्टार्टिंग करनी है, तो ये एचटीएमएल लगा लिया हमने और फिर यहां पर लगाना है हेड, तो यहां पर लगा लिया हेड, ओके। अब यहां से कहानी शुरू होती है। हेड लगाने के बाद आपको क्या करना है, यहां पर यूज करना होगा स्क्रिप्ट टैग, ठीक है। तो स्क्रिप्ट टैग आपको लगाना है यहां पे, तो यहां पे लगा लेते हैं स्क्रिप्ट टैग script, ये स्क्रिप्ट टैग लगा लिया। एंटर प्रेस करके नीचे आ जाइए। अब यहां पर फंक्शन बनाना है हमें, तो फंक्शन बना लेते हैं ऐड के नाम से। तो यहां पे लिखा function, देखिएगा अगर स्पेलिंग मिस्टेक भी हो जाएगी एक भी शब्द तो यहां पर आपका प्रोग्राम चलेगा नहीं। तो ये फंक्शन बना लिया हमने ऐड के नाम से। अब यहां पर ब्रैकेट को कर दिया ओपन और अब वेरिएबल्स बना लेता हूं। तो यहां लिखता हूं वेयर और ए बी सी, सबसे आसान यही तीनों है तो यही ले लेते हैं। अब यहां पर सबसे पहले क्या करना है, एक को पूरा डिफाइन करना है, तो लिखना है ए इज इक्वल टू, अब इस तरह से लिखना है आपको। और यहां पर लिखता हूं नंबर और यहां पर लिखूंगा डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, ठीक है। तो ये इस तरीके से लिख देना है आपको। और लिखने के बाद क्या करना है, लिखने के बाद यहां पर देना है फर्स्ट नंबर, तो यहां पर लिख दीजिए फर्स्ट नंबर इस तरीके से, ठीक है। तो यहां पे फर्स्ट नंबर एंटर होगा और यहां पे लगा दीजिए डॉट वैल्यू, इस तरीके से डॉट वैल्यू लिख करके और ये वाला ब्रैकेट क्लोज कर दीजिए ऐसे और टर्मिनेट कर दीजिए। इसी तरह से दूसरे वाले के लिए भी हमको करना है, तो इस पूरे को सेलेक्ट करके कॉपी कर लेता हूं और इसी को नीचे पेस्ट कर देता हूं इस तरीके से। तो खाली यहां पे बदलना क्या है, यहां पे कर देना है सेकंड, ठीक है। तो यहां पे कर दिया हमने सेकंड और सेकंड करने के बाद क्या करना है, यहां पे कर देना है बी, ठीक है। तो ये बी कर दिया। अब आपको इसको भी कर देना है, मान लीजिए इसको सेव कर देता हूं। तो चलिए एचटीएमएल के नाम से पहले इसको सेव कर लेते हैं, नहीं तो कहीं गड़बड़ हो जाएगा। तो सम डॉट HTML के नाम से इसको सेव कर देता हूं। तो ये हो गया हमारा प्रोग्राम सेव, ठीक है। अब चलिए अब नीचे आराम से काम करते हैं, अब कोई दिक्कत नहीं। तो ये हमने बना लिया है और अब तीसरे स्टेप में आना है और यहां पर पहले इसको डिफाइन कर लेते हैं। तो C is equal to A plus B मैं बोल देता हूं, यहां पे टर्मिनेट कर देता हूं। टर्मिनेट करने के बाद फिर नीचे आइए और अब यहां पे फिर वापस से लिखिए डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट by id, इस तरीके से लिख दिया हमने document dot get element by id। और यहां पर ब्रैकेट ओपन करेंगे, यहां पे दे देंगे आंसर a n s w e r, ये आंसर हमने दे दिया, r छूट गया है, ये r लिख लीजिए। आंसर दे करके ब्रैकेट को क्लोज कर दीजिए और क्लोज करने के बाद अब क्या करना है, यहां पर लगाना है डॉट वैल्यू। तो डॉट वैल्यू लगा दीजिए और डॉट वैल्यू लगाने के बाद इज इक्वल टू, अब देखिए ये जाके स्टोर कहां होगा, तो सी में स्टोर होगा, लगा करके टर्मिनेट कर दीजिए, हो गया, ठीक है। अब जो ब्रैकेट ओपन किया था हमने फंक्शन बनाते समय, अब उसको क्लोज करने की बारी है। तो वो जो कर्ली ब्रेसेस ओपन किया था उसको क्लोज भी कर दिया, एंटर करके नीचे आ जाते हैं। अब हमारा काम हो गया है, स्क्रिप्ट टैग को कर देना है क्लोज। तो चलिए अब क्लोज कर देते हैं स्क्रिप्ट टैग को। यहां पर डिजाइनिंग का काम स्टार्ट होता है, तो बॉडी को ओपन कर लेते हैं। तो ये लिखा हमने बॉडी और इसे ओपन कर लिया हमने। और ओपन करने के बाद क्या करना है, यूजर को स्क्रीन पे दिखाई क्या पड़ेगा, यूजर को स्क्रीन पे दिखाई पड़ेगा एंटर अ नंबर, यही यूजर को स्क्रीन पे दिखाई पड़ेगा।
तो ये मैंने लिख लिया, अब यहां पे लगा देता हूं कॉलन और इसके बाद आईडी लगाता हूं इनपुट आईडी, तो ये लिखता हूं मैं इनपुट आईडी, ठीक है, ये अलग टाइप का है टैग। यहां पे इज इक्वल टू का निशान लगाएंगे और हमने ऊपर दिया है फर्स्ट नंबर, तो जैसे आपने लिखा है फर्स्ट और यहां पे नंबर, वैसे ही आपको यहां पर भी फर्स्ट नंबर लिख देना है और फर्स्ट नंबर लिखने के बाद इसको क्लोज कर देना है, ठीक है, क्लोज ऐसे करना है, टैग में हमने लिया था तो टैग में क्लोज कर देंगे। क्लोज कर देने के बाद फिर यहां पे ब्रेक टैग लगा देता हूं, ठीक है, और फिर इसी को कॉपी करता हूं, ये चीज जो है ना इसी को कॉपी कर लेता हूं, बार बार ज्यादा हमको नहीं लिखना पड़ेगा, थोड़ी सी चेंजिंग करके काम चल जाएगा मेरा। तो एंटर द सेकेंड नंबर कर देता हूं, अब यहां पे लिखता हूं एंटर सेकेंड नंबर, इस तरीके से हमने एंटर सेकेंड नंबर लिख दिया और यहां पर भी उसी स्टाइल में आपको लिखना है जो आपने ऊपर दिया है, ये बात ध्यान रखिएगा। तो ये लिख दिया सेकेंड नंबर, इनपुट आईडी इज इक्वल टू सेकेंड नंबर, इस तरीके से हमने कर दिया। और इसको करने के बाद फिर अब लास्ट वाले की बारी है, तो यहां पर फिर नीचे आ जाइए, अब बटन बनाना है हमको, तो यहां पे लिखेंगे बटन टैग लगाएंगे, तो यहां पे लगा दिया बटन, ठीक है, और ऑन क्लिक, बटन क्लिक करने पे क्या होगा, ऑन क्लिक लगा दिया हमने, ऑन क्लिक करने पे ऐड करेगा ये, तो इज इक्वल टू यहां पे लगा देता हूं ऐड, जो हमने बनाया था फंक्शन उसे लगा देता हूं, इसको क्लोज कर देता हूं इन्वर्टेड कॉमा को और यहां पे टैग को भी क्लोज कर देता हूं और यहां पे लिख देता हूं ऐड, ठीक है, ये लिखा हुआ आएगा, यहां पे लगाता हूं बटन टैग और इसको क्लोज कर देता हूं, क्योंकि ओपन तो पहले ही हो चुका है, काम खत्म हो गया, अब इसको क्लोज भी कर दीजिए, तो ये क्लोज भी कर दिया हमने। क्लोज करने के बाद अब यहां पर एक बार फिर से लगा लेता हूं इनपुट आईडी इज इक्वल टू, अब आंसर कर देता हूं, आंसर आएगा हमारा, तो ये आंसर दे दिया हमने इस तरीके से और इसको क्लोज कर दिया। क्लोज करने के बाद क्या करना है, अब दो ही रह गया है बॉडी और एचटीएमएल, तो इसको भी आप धीरे से क्लोज कर दीजिए, बॉडी क्लोज किया फिर यहां से एचटीएमएल क्लोज कर दिया, ठीक है, इन सबको क्लोज करने के बाद अब यहां से एक बार सेव पे खाली क्लिक कर दीजिए, क्योंकि सेव तो हम पहले कर ही चुके हैं लेकिन एक्स्ट्रा पार्ट जो हमने लिखा उसको भी सेव कर लिया हमने। अब चलिए देखते हैं, ये हमारा पहला प्रोग्राम था, ये हमारा दूसरा प्रोग्राम है, डबल क्लिक करता हूं देखता हूं क्या होता है, तो डबल क्लिक करते ये देख सकते हैं कुछ इस तरीके से आया हुआ। अब यहां पर पहला नंबर एंटर करता हूं और यहां दूसरा नंबर एंटर करता हूं, अब यहां पे देखते हैं कि ये ऐड करता है या नहीं, तो अभी ये ऐड नहीं कर रहा है, यानी कहीं ना कहीं गलती हुई है, देख सकते हैं डबल इंटेड कॉमा क्लोज तो कर दिया है, ओपन तो किया ही नहीं, तो यहां पर ओपन भी कर दीजिए तब क्लोज कीजिए, तब ये हमारा आंसर आ जाना चाहिए। आइए देखते हैं, अगर अब कोई दिक्कत ना हो तो आंसर हमारा आना चाहिए, तो एक बार इसको रिफ्रेश कर देता हूं, ये रिफ्रेश कर दिया हमने, अब यहां पे लिखता हूं 7 और यहां पे लिखता हूं 2, देखते हैं ऐड करता है या नहीं, तो आप देख सकते हैं 7 और 2 को ऐड करने पे 9 आ जा रहा है इजीली। चलिए कोई और नंबर ट्राई करते हैं, लाइक यहां पे लिखता हूं 122 और इसमें 2 को ऐड करता हूं, तो यहां पे देख सकते हैं 124 आ रहा है और यहां पर फिर वापस से अब 122 में पॉइंट लगा देता हूं, डेसिमल वाली एंट्री पास करते हैं, ये देखिए पॉइंट लगा दिया, तो ये पॉइंट में भी ऐड करके हमें दे रहा है इजीली। तो आई होप कि ये बात समझ में आ रही होगी, यहां पर भी पॉइंट लगा देते हैं और देखते हैं ये ऐड करता है या नहीं, ठीक है, तो ये देखिए ये पॉइंट वाले नंबर्स को भी ऐड कर दे रहा है, यहां पर क्लिक कीजिए ये रिफ्रेश हो जाएगा, अगर कोई दूसरा नंबर ऐड करना चाहते हैं लाइक इस तरह से तो ये भी आप ऐड कर सकते हैं, ठीक है, तो यहां पे इसको ऐड करके दिखाता हूं, तो ये देखिए ये इसको भी ऐड कर दे रहा है। आई होप कि बात आपके समझ में आ गई होगी कि ये प्रोग्राम कैसे लिखना है, और अगर आपको ये वीडियो ठीक लगे तो आप इसे शेयर कर सकते हैं, ये कोड आपको लिखना होगा तभी ये प्रोग्राम चलेगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।